बैक टू माय अनदर ब्लॉग। इट्स मी राहुल एंड यू वाचिंग राहुल वर्मा ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज हम लोग मेला देखने आए हैं अपने फ्रेंड के साथ। ये फ्रेंड मेरा ओम जी, और आज हम लोग खूब मस्ती करेंगे और साथ में पंडाल भी घूमेंगे और माता का आप सबको दर्शन करवाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले मैं अपने कोटवारी मोड़ का पंडाल आपको दिखाता हूँ। सकते हो ये तहसीलदार जी के बंगला के पास की मूर्ति है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहा हूँ, ये आप देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं और भी पंडाल को देखते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ पशु अस्पताल के सामने, और यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो तीसरा पंडाल है वो। पंडाल था, अब मैं पांचवा पंडाल दिखाने वाला हूँ। इससे मैं निकल चुका हूँ और आगे जो पंडाल है मैं उसको अभी दिखाने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं आ चुका हूँ रोशन स्टूडियो गली में, और यहाँ पे भी एक, ये आप देख सकते हो, पंडाल रखा हुआ है। चलिए मैं अंदर चल के दिखाता हूँ। अब आगे चलते हैं और भी पंडाल को देखते हैं। अभी मैं रोशन स्टूडियो गली से बाहर निकल चुका हूं और चलते हैं। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं भटोली में, और यहाँ पे भी मूर्ति रखी हुई है। चलिए अंदर चल के दिखाते हैं कौन सी मूर्ति रखी हुई है यहाँ पे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ से, अभी मैं अंदर लेके चल रहा हूँ।
अभी मैं आ चुका हूँ गुदरी बाजार और चलिए चल के दिखाता हूँ गुदरी बाजार में कैसा मूर्ति रखा हुआ है। अभी मैं मूर्ति के जस्ट एकदम पास ही में हूँ। दिखाने वाला हूँ आप सबको।
आप देख सकते हो, मंदिर के अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ आप सब देख सकते हो, ये महादेव का मंदिर। ये मैं थोड़ा सा अंदर ले जाके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए माँ की प्रतिमा। कौन है जी? देख लीजिए छोटे बच्चे जो कि बहुत ही मेहनत। देखिए ये छोटे बच्चे जो कि पंडाल रखे हुए हैं, काफी मेहनत किया है इन लोगों ने। ये आप देख सकते हैं, देखिए ये सब एक से बढ़ के एक है सब। मठिया वाले रोड पे, और अभी हम रोशन शाह बाबा के गली में हैं, और इधर भी एक मूर्ति रखा गया है, तो चलिए मैं उसको भी दिखा देता हूँ।